हे गाइस, वेलकम बैक। यस, तो आज जैसे कि भुवन बाम की पहले के प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मैं इनकी वीडियोस नहीं देखती, और मैंने इनको सजेस्ट किया था कि प्रीवियस वीडियोस देखो, बहुत ही मजा आएगा। तो वो उस टाइम पे मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कैरेक्टर्स उनके जो अलग अलग थे, तो मैंने सोचा कि उनके प्रीवियस जो एपिसोड्स है, कंटिन्यू एपिसोड्स है जो उनके 1 to 10 or 15 एपिसोड्स है उनके, ये एंग्री मास्टर जी का सिर्फ एपिसोड हम देख रहे हैं 1 to 15। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करें, एक रिएक्शन भी हो जाएगा और आप लोग भी उनकी पुरानी मतलब दुनिया में खो जाएंगे, और मेरे साथ देखना कैसा लगता है, हमारी रिएक्शन देखना कैसी लगती है, बहुत मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं तो बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ, तो मुझे तो और भी मजा आने वाला है। चलो लेट्स स्टार्ट। पहले की लुक ही कुछ और थी, देखो। हाँ, पहले की लुक ही अलग है ना। चलो शुरू करें। यस, हाँ, ये मास्टर बैठी बैठी बैठी, ये इनके पिताजी केजरीवाल। तो आप इसके पिताजी हैं? अच्छा, मेरे को आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, और तुम तो बीच में बोलना मत। आप बताइए, ये घर पे करता क्या है? घर पे पढ़ता रहता है पूरे दिन। अच्छा, पढ़ाई करता है, और क्या करता है? कमरे से बाहर ही नहीं आता, घंटों तक बाहर नहीं आता। ठीक है, आपने क्या नाम बताया अपना? बबलू जी, आपका लड़का इतना हरामी है, इतना हरामी है, हमारी जान खा चुका है ये। अगर इसके कारनामे में मैंने आपको बता दिए, आप पहले 2 थप्पड़ मेरे मारेंगे, फिर 2 अपने मारेंगे। आप समझ रहे हैं मैं आपसे कितनी गंभीर बात करने वाला हूँ? पिछले हफ्ते क्या हुआ? क्या है ये? चाय है? ठीक है। अरे उसमें मलाई तैर रही है यार, हटाओ, दही बल्ला लग रहा है वो, चलो लेके जाओ उसको। 3 दिन पहले हमने सारे बच्चों से एक फॉर्म भरवाया, उस फॉर्म में इनको अपना नाम और सेक्स लिखना था। अब नाम के आगे इसने अपना नाम लिख दिया, अब सेक्स के आगे आप और मैं मेल या फीमेल लिखेंगे, जिसने भी मेल लिखना चाहिए था, इसने सेक्स के आगे लिखा है करवा दो। करवा दो क्या? करवा दो? ये उम्र है धार्मिक चैनल देखने की, स्पोर्ट्स देखने की, कार्टून देखने की, ये क्या हेंटाई देखता है ये? अभी पिछले हफ्ते की परीक्षा में हमने सारे विद्यार्थियों से एक आसान सा सवाल पूछा कि अगर अरुण की बीवी का नाम सरिता है तो अरुण का भाई उनको क्या कह के बुलाएगा? जी, आपका लौंडा कह रहा है सविता भाभी बुलाएगा। बबलू जी, घर पे क्या देख रहा है ये लड़का? सर, मेरे क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट था। तो 40 बच्चों की क्लास में सिर्फ तुम्हारे पेपर में मिसप्रिंट था, वो भी सविता भाभी के नाम का। इसके साथ के 2 लौंडे हैं, उन्होंने भी सेम जवाब लिखा है, मतलब तुम तीनों के पेपर में ही गड़बड़ थी। अगर एक बंदे को पेशाब लगा है तो बाकी 2 क्यों जाते हैं पीछे पीछे इसका धोने? उस दिन इंग्लिश की क्लास में सेंटेंस लिखा था कूल ब्रीज, आपके लौंडे ने लिखा है कूल ब्रेजर्स। जब इसकी आंसर शीट पढ़ता हूँ ना मैं, तो मुझे ऐसा लगता है मैं प्लेबॉय की कोई मैगजीन पढ़ रहा हूँ। हर जगह अश्लील चीजें लिखी हुई है, इसने क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? उस दिन जब मैंने तुमसे पूछा कि इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो, तो तुमने क्या किया? इसको मैंने कहा कि जॉनी को अपना काम अच्छा लगा, तो वो करता ही गया, अपना काम करता ही गया। तो इसने क्या बोला? जॉनी लाइक्ड हिज वर्क एंड डन डना डन डन डना डन डन। ये लिखता है ये एग्जाम में। बड़ी मुश्किल से मेरे को सिक्योरिटी गार्ड से टीचर की नौकरी मिली है, मैं छोड़ना नहीं चाहता, इसको समझाइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, इसको समझाइए। आप बताइए, नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे पहला कदम रखा, दूसरा कदम किसने रखा? जी, नील आर्मस्ट्रांग ने रखा होगा दूसरा भी। क्यों भाई, अब लंगड़ी करता हुआ थोड़ी जाएगा? आजकल थोड़ा हॉर्नी फील कर रहा है, काफी दिनों से मौसम भी ऐसा है, तो अब क्या करूं, मैं, मेरी पत्नी, हम सब हॉर्नी फील करते रहते हैं बीच बीच में, उस चक्कर में क्या पता घर का माहौल वैसा हो गया हो कि पढ़ ना पाया हो, वरना लड़का होनहार है मेरा, मैं आपको लिख के देता हूं, आप जाइए। चलो, हो गया, खानदान है क्या है ये? अरे चाय तो पिला दो। कैसा लगा आपको मेरा सजेशन? कैसा लगा? मैंने पहले ही बोला आपको, सही बोला था आपने। अरे भाई, क्या क्या बोलते हैं यार ये लोग, इतना कॉमेडी भाई। इसको कोई बोल सकता है पुराने वीडियो से? नहीं, ये पता नहीं कितने साल पुराने, फिर भी हमने सोचा चलो देख लेते एक बार, क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं देखा था, इनको कैरेक्टर्स ही नहीं पता है, तो मैं बोला एक बार आप गो थ्रू करो कैरेक्टर्स, देखो तो आपको पूरा ढिंढोरा एपिसोड भी समझ में आएंगे। तो ये भाई, एक ही एपिसोड में मजा आ गया मुझे तो। ये मास्टर जी का एपिसोड मैंने आपको बहुत देख, मेरे तो आंखों से पानी आ गया, देखो यार इतना हंस गया। इसमें क्या मास्टर जी का भी रोल था, तो मैंने बोला चलो एक बार मास्टर जी इनको दिखा देते हैं। चलो गाइस, आप बताना आपको कैसा लगा। बबलू जी तो उनके पिताजी है, वो केजरीवाल का पहनते हैं। क्या सिखा रहे आप लड़ने को? वो क्या बोला, घर पे हो तो मैं बोल ही नहीं सकता, मेरी बीवी, मैं, बच्चे, घर का माहौल ही ऐसा चल रहा है।
वो क्या क्या बोले यार, ऐसे बता दो ऐसे समझ आ जाए। हाँ वही आप समझ जाओ। चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप भी कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। यस, और इसके एपिसोड हम सारे देखेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और ओरिजिनल लिंक की डिस्क्रिप्शन तो मैं दे ही दूंगी आपको। यस, आपकी यादें पुरानी ताजा हो जाएगी और आप लोगों को पता ही होगा वैसे भी। हाँ, आप लोगों ने देखी होगी। हाँ चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। यस बाय बाय, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। टिंग टोंग बाय।